चलो यार आज तो हमें सिटी जाना है तो आज सिटी चलते हैं, फटाफट बैठ जाता हूँ। ओके मैडम, आपको किधर जाना है अभी? अपने बाप के साथ हम जाना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे मैडम आप क्या बोल रहे हो, आप अपने पिताजी की शादी में जाना चाहते हो? जो आप कहाँ से आए जब? I don't know. अरे साले क्या बोल रहा है, तेरा मुंह तोड़ दूंगी अभी। मैडम आप मेरा मुंह तो तोड़ दोगी पर आप जाओगी कैसे? साले क्या बोलता है, साले अगली बार बोलने तेरे को तोड़ दूंगी। अरे मैडम तो तूत नहीं निकली। साले मैं अपने दोस्त के साथ हम जा रही हूँ। ओके मैम अब चलते हम फटाफट हमारी सिटी की ओर। तो चलना, साले मेरा खोपड़ा खा गया बोल बोल कर। मैडम मेरे को तो जोर से भूख लग रही थी। तो भूख लग रही तो क्या मुझको खाएगा? मैडम मैं सड़ी भी चीज नहीं खाता। साले अगली बार बोला ना तो मैं दूसरी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, अभी जाते अभी चलते अभी चलते। साले बकरी जैसे बेबे क्यों कर आके देख। चलो मैम अब चलते हैं, हमारा हनुमान गेट लगाते हैं और चलते हैं अब सीधे सफर की ओर। वैसे सिटी का नाम क्या है? साले इतनी देर क्या कर रहा था, उस टाइम नहीं पूछ रहा था, अब पूछ रहा की किधर जाना है। अरे मैडम आप तो बताओ तो किधर जाना है? हलवाई शहर। तो मैम अब चलते हैं हम हलवाई शहर, 10 मिनट के अंदर हलवाई शहर पहुँच जाएंगे। हाँ आप भी पहुँच जाएंगे पर आगे देखकर गाड़ी चला ले। ओके मैम आगे देखकर चलाता हूँ। अभी यहाँ पर रोकना? ओके ओके मैडम यहाँ पर रोक दूंगा, अभी रोकता हूँ। लो मैडम यहाँ पर हमने रोक दी, अब आप यहाँ पर क्या काम है वो भी बोल दो। हाँ अब आपको जाना है मेरे दोस्त के पास, उसको कहना है कि आप शहर में कब आओगे। ओके मैडम अभी जाता हूँ, अभी उतरता हूँ नीचे। ओके मैडम अभी उतरता हूँ, फटाफट उतर गया है, अभी जाता हूँ उसके पास। कौन डोकरा है ना, मेरे को वही लग रहा है कि डोकरा ही मिलेगा। तो फटाफट करके चलो मिल्खा सिंह जैसे दौड़ रहा हूँ, वैसे मेरा चश्मा बहुत अच्छा लगता है। तो हेलो कोई है अंदर? हाँ बेटा कौन है तू? अभी यार ये किसकी आवाज थी बैनकर? ये आवाज मेरी है, पहले बता तू कौन है और कहाँ से आया है और क्यों दरवाजा पीट रहा है? मैं आपके दोस्त के कहने पर आया हूँ, आपके दोस्त के कहने पर आया हूँ क्यों? उसने उन्होंने कहा कि आप कब जाओगे शहर। ओके तू वहाँ से आया क्या? अपने दोस्त के कहने पर आया। ओके तो मैं अगले साल आ जाऊंगा। अरे अगले साल आओगे मतलब उनके क्या बच्चे देखोगे क्या? वैसे तुम कौन हो? अंकल मैं यूट्यूबर हूँ। ओ तुम यूट्यूबर हो, पर यूट्यूब में क्या वीडियो बनाते हो? मैं गेमिंग वीडियो बनाता हूँ। चैनल का नाम क्या है, मैं अभी सब्सक्राइब कर दूंगा। अंकल चैनल का नाम CX गेमर है, जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई आप लोग भी करना जो आप देख रहे हो। Okay. अरे बेटा मैंने तुम्हारे चैनल देखा, ये आपके तो सिर्फ 400 सब्सक्राइबर ही है, 500 तो हुए नहीं। अंकल क्या करूँ मैं इतने वीडियो बनाता हूँ कोई लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाता है। ओ बेटा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ ही लोग सब्सक्राइब करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। अरे भाई लोगो इसको सब्सक्राइब कर दो, ये तो हमारे दोस्त है, हमारे बेटा है यार, सब्सक्राइब कर दो इसको भी। ओके अंकल अब मैं चलता हूँ क्योंकि एक डोकरी मेरे पास बैठी है वो कपके खोपड़ा खा रही है। ओके बेटा जाओ। मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैं आ गया। तो मैं क्या ढोल बजाऊं? अरे मैडम जी एक बात पूछनी थी कि आप सिटी में जाकर करोगे क्या? तो मैं काट के खा जाऊंगी। मैडम आपके चुड़ैल हो और गाड़ी बीड़ी की, मैडम आपको जैसे चुड़ैल का ना गाड़ी बीड़ी की, मैडम आप चुड़ैल हो। चुप साले चुप, साले कब का चुप 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 कर रहा है? मैडम 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 कर रहा है, साले चुपचाप बैठ जाना वरना तेरा चाकू काट दूंगी। अरे मैडम अगले बार नहीं बोलो। साले हटवे गाड़ी चलानी आता, ऐसे गाड़ी चलाने लग जा रहा, गाड़ी ठोक दी मेरी। अबे साले खुद ठोक रहा है, दूसरे को कह रहा है कि उसने ठोक दी। साले तू चला ले सीधा सीधा, तेरे लाइसेंस किसने दे दिया चलाने का? वो तो मैडम मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझको लाइसेंस किसने दे दिया। जा पूछ क्या? मैडम जी सिटी तो अभी आ जाएगा, मुझको कुछ पूछना था। मैडम आप ये बताओ कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कि हलवाई सेल में सबके हलवाई रहते हैं। साले आगे देख के चला ले, खोपड़ा खा गया बोल बोल कर। ओके मैडम
मैडम एक और बात पूछनी थी। अभी क्या पूछना है तेरे को? मैडम जी मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। अबे गा ले, मैं क्या करूँ? ओके मैडम, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था ऐसे ही। गाता रहे मेरा प्यार, चलक दिखला आजा, चलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा। चुप! गजब बेइज्जती है। लो मैडम आपका शेर आ चुका है, वो रहा है शायद यहाँ पर ही घर है ना, बता देना मतलब बाद में किधर, मैं आपको किधर ही लेकर जल्ला जाऊंगा। इधर ही इधर। लो मैडम आपका घर आ चुका है। यस आ गया, अब इस चूते से मेरा पाला छूटेगा। मैडम क्या बोल रही हो, मैंने आपके इतना एंटरटेन किया? वो एंटरटेन था, इससे बढ़िया तो मेरे कुत्ते कर लेते तेरे से बढ़िया एंटरटेन। अरे मैडम अब जब वापस जाओगे ना, जब मैं देख लूंगा आपको हाल, तो वापस भी जाना है आपके घर। तो मेरे को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को कि इतनी बड़ी स्टोरी आई है यार, एकदम मस्त थी। तो भाई लोगों अब मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।